हशर में इंसाफ होगा, बस यही सुनते रहो। मासूम बच्चों के सरू का साया, बाप के बुढ़ापे का सहारा, खून के आंसू लिए यतीम पोतू को साथ लिए, गाजी गुड़ा का रिहायशी मकतूल का वालिद राजा मोहम्मद आजम अपने 33 साला जवान बेटे वसीम आजम के कातलों की गिरफ्तारी और इंसाफ के लिए सहाफियों की चौखट पर पहुंच गया। पुलिस थाना अली बेग की हदूद गाजी गुड़ा में 18 दिसंबर 2021 को मकतूल वसीम आजम को शाम घर जाते हुए फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। FIR दर्ज हुए 6 माह गुजर गए। पुलिस की रवायती सुस्ती और मुलजमान पार्टी के साथ मबजना मिली भगत के बायस मास्टरमाइंड नामजद मुलजमान कानून की गिरफ्त में ना आ सके और ना ही इंसाफ फराहम किया गया। राजा मोहम्मद आजम ने मासूम बच्चों के मकतूल बाप को इंसाफ दिलाने और कातलों को फांसी के फंदे पर लटकाने का मुतालबा कर दिया। इन्होंने बेटा 18 दिसंबर की फैक्ट्री तो घर आ रहा सी, पीछे दो बंदे मोटरसाइकिल आए, उन्होंने फायरिंग की है। पहले तो 4-5 दिन कातलों ने पता नहीं लगा, ना मालूम परचा कराया गया। उस तो बाद पुलिस थोड़ी एफिशिएंसी दसी है तो ना ट्रेस किया बंदे, मगर ट्रेस जिला वो बंदे हुए। उस तो बाद बिल्कुल पुलिस ठंडी पे गई है, तो 6 महीने होने छे, दो बंदे जिन्हें एक्चुअल एक बंद जिस प्लान किया तो जिस मर्डर किया वो दो मफरूर हैं। 3 बंदे पकड़े गए, निकल राजा मनीर है, एक जो मोटरसाइकिल चलाई जा सी, एक नाल और जो फोन यूज़ होया, मगर हूँ इतने अरसे तो इन्हें कोई इंसाफ नहीं मिली। असें रिक्वेस्ट है छोटे छोटे 3 बच्चे ने उसने वसीम ने, ठीक है, कोई तो दारा उसी जो इंसाफ दिला सी। हूँ कोई बनाना स्टेट तो नहीं अस बैठे जिते कोई पता ही नहीं है, जोड़ा दिल है गोली चाहिए मारी जाए, फिर इजाजत दे छोड़ो, असं भी बंदूक चाहने असं भी मारने उन्होंने, ये कोई तरीका तो नहीं। 6 महीने हो गए जवान बच्चा कत बिना मतलब कोई उसका कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है असं की जितने बड़े हाई ऑफिशियल इदारे वो मेहरबानी कर, इसने बच्चों तो नाल इंसाफ करान, ये उसके वालिद हैं इन्हें इंसाफ करान, तो जितने जस्टिस साहब चीफ जस्टिस साहब हैं, उस तो बाद अपने वज़ीर आज़म साहब आज़ाद कश्मीर सदर साहब हैं, या जितने भी अपने IG साहब हो गए, बाकी जड़े मुतलका इदारे जितने भी हैं, एक ना कहना लगे इन्हें ड्यूटी बनी है कि जल्द इंसाफ दे। 6 महीने हो गए तुम्हें, 2 बंदे नशे मेहरबानी करने निके निके बच्चे ना सने